नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेलर जानकारी चैनल में। लेडीज को फर्स्ट टाइम अम्ब्रेला मशीन चलाने का अनुभव मोटर के साथ। सबसे पहले दोस्तों, इसमें डब्बी में फिरकी डालना सीखें। देखिए इस प्रकार डालनी है और यहाँ पर इसको अटैच कर देना है और इस बाड़े के अंदर ले आना है। थोड़ी खींच कर देख लेनी कि तागा ठीक है, तो अब इसके नीचे अटैच करना सीखें। अब देखिए जो ये बाटा है इसको ऊपर की साइड रखना है। अब लगाओ इसको। अब जैसे इसमें चटकी आवाज आ गई, इसका मतलब ये है कि हमारी डब्बी सही तरीके से लग गई है। अब देखिए इसमें धागा डालना सीखें। सबसे पहले इसमें डालना इस टूल के अंदर आपको धागा, और यहाँ डालने से धागा कहीं पर उलझता नहीं है। अब दोस्तों इसमें धागा डालने का तरीका देखिए, जो ये दो पाती गोल इनके अंदर लाना है और यहाँ पर, और यहाँ पर अब नत्थी के अंदर धागा डलेगा। अब यहाँ नत्थी के डालने के बाद यहाँ पर इस टूल में डाल दें, अगर चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है धागा बार बार उलझता है तो मशीन धागा तोड़ने लग जाती है। इस टूल में डालने के बाद आप सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। अब ये सुई के अंदर भी धागा डल गया है। अब इस धागे को ऊपर ले आना है इस प्रकार से, दोनों धागों को इस प्रकार पीछे करना है। देखिए अब मशीन दोस्तों चलने के लिए रेडी है। अब पंजे को देखिए, स्टार्टर को धीरे से दबाना है। अब ये स्टार्टर जो है इसको गोटे के साथ बिल्कुल धीरे से दबाना है। धीरे से इसको चालू करो। अब पंजे को आराम से दबाना है और थोड़ी मात्रा में, अगर लंबाई में कम टांका लगाना हो तो पंजे को बार बार थोड़ा थोड़ा दबाकर आपको छोड़ना होगा इस प्रकार से। अब देखिए इसमें थोड़ी चाल मोटी है, इसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पर से चाल को मेंटेन कर सकते हैं आप। यहाँ पर चार पर है तो इस टूल को नीचे दबाकर तीन पर कर देंगे। और अब यहाँ पर तागा पक्का करना है। अब चलाओ और तागा पक्का करना है, तो तागा पक्का करने के लिए इस टूल का यूज करना है। देखिए इसको इसे दबाएंगे, वहां पर दबाओ इसको और यहाँ पर तागा आपका पक्का हो जाएगा। अब इस प्रकार से धागा पक्का किया जाता है इस टूल की सहायता से। इसमें आपको कपड़ा घुमाने की आवश्यकता नहीं, अम्ब्रेला मशीन में ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दोस्तों इस प्रकार आप भी अम्ब्रेला मशीन को मोटर के साथ चलाना सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।